नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राजनीति में कुछ भी करना पड़े तो वो चाहे राजनीतिक दल हो या फिर कोई बड़ा राजनेता, कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। इसी कड़ी में हम अब बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की। डेरा सच्चा सौदा ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने का निर्णय नहीं लिया है, इसकी ना ही कोई घोषणा हुई है। मगर तीन राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा ने उन्हें समर्थन दिया है। हालांकि ये संभव भी नहीं है, लेकिन हम आपको वो समर्थन के दावे जरूर दिखाएंगे इस वीडियो में। और डेरा सच्चा सौदा के समाचार पत्र सच कहूँ व उनका यूट्यूब चैनल सच कहूँ में पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया। अब ये निर्णय आपको स्वयं करना होगा कि डेरा सच्चा सौदा का निर्णय क्या है। डेरा के चल रहे अखबार सच कहूँ और यूट्यूब चैनल सच कहूँ में बाकायदा एक नोटिस प्रकाशित किया गया है और उसमें साध संगत को अफवाहों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। अगर कोई राजनीतिक दल समर्थन की बात करता है तो डेरा के प्रेमी संबंध समिति या राजनीतिक विंग से बातचीत कर अफवाहों से बचें। आप देख रहे हैं पल-पल की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में इनेलो के लिए अच्छी खबर आई है। डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक इकाई ने हरियाणा में इनेलो को समर्थन देने का फैसला किया है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सूचित किया जाता है पूरे हरियाणा वासियों को। अभी अभी सुनारिया जेल से मिलके मैं महाराज जी से आ रहा हूँ और महाराज जी ने संदेश भेजा अपना कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से लोगों के बीच में संदेश भेजा जाए और डेरा सच्चा सौदा का समर्थन जेजेपी को दिया जाए। महाराज जी ने बोला कि किस तरह से षड्यंत्र रच के महाराज जी को सलाखों के पीछे जेल में डाला है, इसलिए महाराज जी ने अपना क्लियर स्टैंड रखा और जेजेपी को अपना समर्थन दिया है। अभी एक घंटे बाद हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में मिलेंगे। कुछ न्यूज़ को देख रहा हूँ और वो जो न्यूज़ है वो एकदम अफवाह है, भ्रामक है और मेरे ख्याल से वो पैसे देख के चलवाई जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी है सासंगत का एकजुटता का फैसला है वो अपना सासंगत अपने तरीके से वोट कर रही है। और जो कुछ चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि फलां पार्टी को समर्थन है फलां पार्टी को समर्थन है, तो वो एक अफवाह ही कहूँगा मैं उसको, जो मेरी पुष्टि के अनुसार ऐसा कुछ। अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस दौर में, साध संगत को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश है। साफ तौर पर क्या साध संगत को संदेश अगर कोई जाए या कोई बात कही जाए तो क्या होगा? साध संगत को यही संदेश है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप सभी वोट करें। और जहाँ तक मैं पर्सनल अपनी बात करूं व्यक्तिगत तौर पे, तो मुझे भी यही है कि आप अपने स्थानीय जो जिम्मेवार हैं उनके संपर्क में रहें और इस तरीके से सबके लिए यही है कि वो आपस में जो भी उनका तालमेल बना हुआ है तो उस तरीके से वो वोट करें। ये थे सच कहूं के मुख्य संपादक प्रकाश सिंह सलवारा, जिन्होंने साफ कहा कि साथ संगत जो है वो अफवाहों से सचेत रहे, अफवाहों पर ध्यान न दे, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करें।